हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर पॉटरी। पॉटरी मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड जो काम होता है उसके बारे में। उससे पहले हम कुछ ट्यूनअप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ मिट्टी से बने हुए बर्तन बनाए गए हैं पिक्चर्स में, तो आपको उनको देखकर ये पहचानना है कि वो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे पहला है गमला है, ये किस लिए यूज किया जाता है, इसमें पौधे लगाए जाते हैं। दूसरा मटका है, इसमें पानी भरा जाता है पीने का। तीसरा ये बर्तन है, इसमें हम जानवरों के पीने के लिए पानी रखते हैं। और चौथा ये पतीली, इसमें दाल वगैरह पकाई जाती है। तो इस तरह से बच्चों मिट्टी से, क्ले से जो यूजफुल आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उस काम को पॉटरी बोलते हैं। तो वो व्यक्ति, वो पर्सन जो बर्तन बनाता है उसे पॉटर बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पहले लोग ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया अपने ग्रेन, सीड और पानी को स्टोर करने के लिए। उसके बाद वो उसको हाथों से मिट्टी को शेप देते थे और अलग अलग बर्तन बनाने उन्होंने शुरू किए। आजकल ये मिट्टी के बर्तन जो है पानी इकट्ठा रखने के लिए, खाना रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉटरी, देन एंड नाउ, तब की पॉटरी और आज के बर्तनों में क्या अंतर है? बच्चों बर्तन जो है वो दोनों तरह से बनाए जाते हैं, हाथ से भी बनाए जाते हैं और पॉटर व्हील से भी बनाए जाते हैं। पहले लोग होल एक बर्तन जो है आधा छेद वाला बनाते थे, एक बॉल में क्ले की बॉल बनाते थे, उसके बाद अंगूठे से उसको चपटा करते थे और अपनी फिंगर से उसको बाहर की तरफ उसमें उभार लाते थे। बड़े बड़े बर्तन बनाने के लिए लोग लंबी लंबी मिट्टी की कॉइल्स बनाते थे और उनको स्टैक करते थे। व्हील मेथड में क्या होता था, बर्तन जो है हाथ से बनाए जाते थे सिर्फ थोड़े समय के लिए, और उसके बाद पॉटर्स व्हील की इन्वेंशन हो गई, तो लोगों ने अलग अलग शेप और साइज के बर्तन फास्ट स्पीड से बनाना शुरू कर दिया उस व्हील पे। तो व्हील को यूज करके बर्तन बनाना बहुत ही कॉमन तरीका है, और लोग क्ले को अपने स्पिनिंग व्हील पर लगाकर अपने हाथों से उसको शेप देते हैं, और फिर इन बर्तनों को सूरज की धूप में सुखाया जाता है, फिर ओवन में बेक किया जाता है। इस प्रोसेस को फायरिंग कहते हैं, और उसकी अगली स्टेज होती है ग्लेजिंग, जिसे इट मेक्स द पॉट्स वाटरप्रूफ। इससे क्या होता है, जो मिट्टी का बर्तन है उसमें से पानी लीक नहीं होता। फिर उसके बाद उसको पेंट करके डेकोरेट किया जाता है। जो मिट्टी के बर्तन है वो बहुत आसानी से अवेलेबल है और ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, एंड क्ले हमारी नेचर में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे हैंड मेकिंग मेथड, हाथ से किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। बच्चे बहुत ही सिंपल और आसान था, इसमें किसी व्हील की जरूरत नहीं होती थी। तीन तरह की हैंड मेकिंग मेथड है, कॉइलिंग, स्लैब बिल्डिंग और प्रेस माउल्डिंग। इसके बाद पॉट्स टुडे, आजकल के बर्तनों के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों हमें अलग अलग साइज के और अलग अलग टाइप के बर्तन चाहिए होते हैं अपने खाने की चीजों को स्टोर करने के लिए। लोग ज्यादातर आजकल मेटल्स के बर्तन यूज करते हैं, जैसे स्टील के, एल्यूमिनियम के, प्लास्टिक ग्लास या चाइना क्ले। हम उन बर्तनों में अपना खाना स्टोर करते हैं या सर्व करते हैं। बड़े बड़े जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें दही बनाई जाती है, और बहुत सारे खिलौने हैं मिट्टी के जो बनाए जाते हैं। चाय अक्सर रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में मिलती है जो कि मिट्टी की बनी होती है। थैंक यू।